Good morning, students. I am Dr. Vamta Sharma, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today, we are going to discuss the very important part of Chapter 1st, Class 11th Three Domains of Life. Three Domains of Life. साइंटिस्ट हैम ऑफ विजन फॉर द वर्ड वी लिव इन साइंटिस्ट ने हमारा जो विजन का स्पेक्ट्रम है वो इतना ब्रॉड कर दिया है किस चीज के लिए ब्रॉड कर दिया है इन द वर्ल्ड इन विच वी लिव आइसिंग टू द केक इज द थ्री डोमेन सिस्टम बाय कार्लू आइसिंग टू द केक केक के ऊपर आइसिंग की जाती है दैट इज द थ्री डोमेन सिस्टम गिवन बाय कार्ल कार्लूज इन द ईयर नाइनटीन कार्ल कार्लूज इंट्रोड्यूस द टर्म थ्री डोमेन सिस्टम कार्ल कार्लूज साइंटिस्ट ने एक टर्म दी थी थ्री डोमेन सिस्टम थ्री डोमेन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है क्लास अलेवेंथ फर्स्ट चैप्टर है आपका तो इसमें आपने क्या पढ़ना है वी विल डिस्कस अच्छा पहली बात तो ये कि इस टॉपिक में से दो से तीन क्वेश्चंस नीट में से नीट में आते हैं और इसमें आपने सारी एनसीईआरटी फॉलो करनी है थ्री डोमेन सिस्टम इज एक्चुअली ये थ्री डोमेन एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जब बी थ्री डोमेन सिस्टम की मैं बात करूंगी तो आपके माइंड में सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आ जाना चाहिए इट इज आल्सो कॉल्ड कार्ल वूज क्लासिफिकेशन थ्री डोमेन सिस्टम भी लिखा आएगा आपको सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी लिखा आएगा तो इसकी पहचान यही है वन एंड द सेम थिंग एंड आफ्टर द साइंटिस्ट हुईज दिस आइडिया इस थ्री डोमेन सिस्टम को जिसे हम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं इसको कार्ल वूज क्लासिफिकेशन भी कहते हैं कब आफ्टर द साइंटिस्ट डिवाइज दिस आइडिया जिस साइंटिस्ट जिस साइंटिस्ट ने ये आइडिया दिया उसके नेम के साथ हम इसको कार्लूस लेटस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड सो इन दिस फिगर आपको क्लियर कुछ होगा बाकी हम अभी पढ़ेंगे सब कुछ थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन गिवन बाय कालूस थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन गिवन बाय कालूस कुछ इसमें हम समझते हैं कॉमन एंसेस्टर लिखा है कॉमन एंसेस्टर से बैक्टीरिया आर के यू केरिया तीन डोमेन्स तीन दोमेंस से थे नंबर वन बैक्टीरिया नंबर टू आर की बैक्टीरिया या आर की या नंबर थ्री यू केरिया इसके बारे में हम अब भी डिस्कस करेंगे आगे बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया में भी डिवाइड क्लासीफाई uh, किया जाता है और आर की बैक्टीरिया आर की लेकिन जो यू केरिया है वो प्रोटेस्टा प्लांट फंजाई एनिमल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इस बात को हमने कहा थ्री डोमेन सिस्टम ठीक है थ्री डोमेन सिस्टम थ्री डोमेन सिस्टम।, सिस्टम कौन से हैं बैक्टीरिया आर की एंड यू कैरिया ये तीन डोमेन्स ये तीन डोमेन्स हैं जिसमें कार्वूस ने क्लासिफाई किया कि तीन डोमेन सिस्टम्स हैं अब जो बैक्टीरिया है ना ये यू कैरे यू बैक्टीरिया और आर्की दोनों में डिवाइड होते हैं उसके बाद थर्ड आ गया हमारे यू कैरिया ये जो यू कैरिया है इसको फर्दर इस क्लासीफाई कर दिया गया किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम प्लांटी किंगडम फंजाई किंगडम मैंने हम आगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें ये ज्यादा डिस्कस होगा हम समझ पाएंगे कि ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया चू है देवर कैप्ट अंडर किंगडम मोनेरा किंगडम मोनेरा के अंदर ही ने रखा गया था अब बात ये आती है मैम किंगडम मोनेरा है तो किंगडम प्रोटेस्टा भी थी एक ठीक है ये रही आपकी किंगडम प्रोटेस्टा उसके बाद आती है किंगडम प्लांटी उसके बाद आते हैं किंगडम एनमिलिया और किंगडम फंजाई ये सारे किंगडम्स में कार्ल वूज ने क्या किया इनको क्लासीफाई कर दिया तो अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में हाँ जी

थ्री फैक्टर्स दैट लेड टू द डिविजन ऑफ लिविंग वर्ड तो कार्ल कारवूस ने क्या किया तीन फैक्टर्स देखे जिसने क्या किया उसने सारे लिविंग वर्ड को डिवाइड कर दिया इनटू थ्री डोमेन्स एंड सिक्स किंगडम बार बार एक ही बात आ रही है कि कार्ल कालबूज साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया जो सारा लिविंग वर्ड है उसको डिवाइड कर दिया थ्री डोमेन्स एंड सिक्स किंगडम

तो अगर हमें आर एन ए का स्ट्रक्चर क्लियर हो क्लास नाइन्थ में भी हमने पढ़ा था अगर आर एन ए का स्ट्रक्चर क्लियर हो तो हमें ये पता है कि जो आर एन ए है दैट इज़ डिवाइडेड इंटू दैट इज ऑफ थ्री टाइप्स राइबोसोमल आर एन ए हाँ जी ट्रांसफर आर एन ए और ये, ये सारा आपको स्ट्रक्चर नाइन्थ क्लास में करवाया गया है ही प्राइमली आर्ग्यूड ऑन द डिफ्रेंसिस इन द न्यूक्टाइड सिक्वेंस इन दिक्कसटीन 16s आर 16s RNA. आर आर एन ए है ये सिक्सटीन एस आर आर एन ए तो उसने किसके ऊपर आर्ग्यू किया ऑन द द डिफरेंस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आपने डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर पढ़े हों तो आपको पता होगा कि जो हमारा डीएनए और आरएनए है वो किसके बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं एंड दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज इन सर्टन सीक्वेंस एक सीक्वेंस में ये न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं तो उसने किसको देखा डिफरेंसिस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन सिक्सटीन एस आर आर एन ए तो उसने डिफरेंसेस देखे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज में किसके डिफ्रेंसिस देखे सिक्सटीन एस राइबोजोमल आर एन ए के एज वंस जेनेटिक सीक्वेंसेज अब ये जो सीक्वेंसेज देखेंगे इसका पीछे परपज़ क्या था न्यूक्लियोटाइट सीक्वेंसेज के डिफ्रेंसेस देखने का इसके पीछे जो रीजन था दैट वॉज हाउ डिफरेंट एंड हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर टू अवर इंसेस्टर्स हम अपने ancestors से कितने डिफरेंट हैं कितने हमारा क्लोज रिलेशन है तो ये सारी डिस्कशंस की थी कालबूज ने ये उसने डिस्कशन क्यों की क्योंकि उसने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दी जिसे थ्री डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर होता है कि why only 16S RNA? क्यों 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 ये ना और और किसी को क्यों नहीं कहा गया और कोई स्टडी के लिए क्यों नहीं चूज किया बिकॉज इट इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल स्पीशीज ये यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है सभी स्पीशीज में नंबर वन ऑल दो इट इज डिफरेंट इन ऑल स्पीशीज लेकिन ये नहीं कि सारा sequence ही सेम होंगे नो न्यूक्लियर सिक्वेंसिस में डिफरेंस होंगे बट इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट इन ऑल स्पीशीज बट इट इज फंक्शनली सिमिलर दैट मेक्स इट सूटेबल फॉर क्लासिफिकेशन इनके फंक्शन सेम रहते हैं मैंने कहा कि जो राइबोसो सिक्सटीन एस राइबोसो में ला रहे हैं दैट इज प्रजेंट इन ऑल स्पीशीज वो सभी स्पीशीज में प्रेजेंट होता है और ये जो इसका जो यूनिक फीचर क्या है कि ये फंक्शनली सिमिलर होता है

चूज किया अब देखिए जो सिक्सटीन आरएनए है दैट अंडरगो म्यूटेशन वेरी स्लोली वेरी ऑब्वियस जब भी साइंटिस्ट रिसर्च पर्पज पर जाते थे तो उन्होंने जब सिक्सटीन राइबोसोमल आर एन ए को चूज किया तो उसकी एक और प्रॉपर्टी थी दैट अंडरगोज म्यूटेशंस वेरी स्लोली जो म्यूटेशंस का प्रोसेस है उसमें वो बहुत स्लो थी मतलब म्यूटेशंस का प्रोसेस बहुत स्लो था सिक्सटीन एस आरएनए में देखिए अगर इसका म्यूटेशन जल्दी हो जाती तो चेंजेस ज़्यादा आते न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में डिफरेंसेस ज़्यादा आते तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू टेकन एज द बेसिस फॉर द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो वो इस चीज़ को नहीं ले सिक्सटीन एस राइबोसोमल आरण्य को नहीं चूज कर सकते थे तो सेकेंड है नंबर वन था कि ये फंक्शनली सिमिलर है इन इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल स्पीशीज एंड इट इज़ फंक्शनली सिमिलर नंबर टू है इट डजेंट अंडरगो म्यूटेशन वेरी इजली ये म्यूटेशंस में इतने ईजीली नहीं जाता थर्ड है कि जो न्यूक्लियोटाइट सीक्वेंसिस होते हैं सिक्सटीन है फाइबोजोमल आरण्य के दे कैन बी अलाइंड फॉर मैचिंग अपटवीन टू ऑर्गेनिज्म तो इसके जो न्यूक्लियोटाइट सीक्वेंसेज हैं दैट आर यूज फॉर मैचिंग अप बिटवीन टू ऑर्गैनिजम्स मतलब दैट कैन भी अलाइंट फॉर मैचिंग अप

सेल मेम्ब्रेन लिपिड स्ट्रक्चर अभी हमने सेल का चैप्टर नहीं किया है तो हमें नहीं पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन का लिपिड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है ठीक है थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ यहाँ पे कि जो सेल होता है दैट इज सराउंडेड बाय ए प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन सेल के बाहर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी होती है इसको प्लाज्मा लामा भी कहा जाता है अब यहाँ बात हो रही है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है सेल <coughs> मेम्ब्रेन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो लिपिड्स का बना होता है हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में लिपिड स्ट्रक्चर होता है एंड ऑर्गेनिज्म सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स और टू एंटीबायोटिक्स इन टू कंसिडरेशन द सेल में थर्ड फैक्टर उसने कौन सा देखा कि सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या है और हाउ दे आर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स तो एज मॉडर्न डे माइक्रोबायोलॉजी यूज ग्राम स्टेन ये भी आपने अभी नहीं पढ़ा है कि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो ग्राम स्टेन यूज करते हैं किस लिए यूज़ करते हैं दे यूज ग्राम स्टेन टू स्टेन द बैक्टीरिया तो कौन से बैक्टीरियाज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर्स दे आर डिफ्रेंशिएटेड हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम कह रहे थे कि मॉडर्न डे माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो मॉडर्न डे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं दे यूज ग्राम स्टेन वो ग्राम स्टेन यूज करते हैं टू स्टेन द सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को स्टेन करने के लिए ग्राम स्टेन यूज किया जाता है क्यों ग्राम स्टेन यूज किया जाता है सो दैट वी कैन डेफ द बैक्टीरिया इन टू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ये बड़े इंपॉर्टेंट लाइन है सारी ऑल्सो मैनी मॉडर्न डे एंटीबायोटिक्स वर्क ऑन बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन तो बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन पे ही मोस्टली वर्क किया जा रहा है तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी देखिए इधर मैंने आपको थोड़ा सा ना समझाने की कोशिश की है कि इस आपने वैसे जो नोट्स आप साथ साथ मनाते रहिए अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स तो ये थ्री डोमेन सिस्टम है आप इसी तरह ही इसको नोट करेंगे थ्री डोमेन सिस्टम है किसने दिया था कालबूज साइंटिस्ट का नेम है कब दिया था 1977 में अब इनको उसने कालबूज ने थ्री ये जो थ्री डोमेन सिस्टम है उसने इनको तीन डोमेन्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया कौन से थे तीन डोमेन्स आर्किया एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे मिथेनोजन्स आगे पढ़ेंगे हम मिथेनोजन्स हेलोफाइल्स थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया यू कैरिया प्रोटेस्ट फंजाई एंड मिलिया अभी आपको सिर्फ इसको याद रखना है कि आर्किया में कौन आते हैं मिथेनोजम्स आते हैं हेलोफाइल्स आते हैं और थर्मो एसिडोफाइल्स आते हैं बैक्टीरिया में कौन आता है साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया और कुछ बेनिफिशियल एंड पैथोजेनिक बैक्टीरियाज आते हैं यू कैरिया में क्या आता है प्रोटेस्टो फंजाई प्लाट्स एंड एनिमल्स तो ये थ्री डोमेन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और एक से एक से दो क्वेश्चन इस पर नीट में भी इसमें से आते हैं तो इनके एग्जाम्पल्स याद रखने बहुत जरूरी हैं एग्जाम्पल्स क्यों याद रखने जरूरी हैं क्योंकि अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे तो करेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने का कोई रेलिवेंस नहीं बनता जब तक हमें ये ना पता हो कि उनकी वो एप्लीकेबल कहाँ हो रहे हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये बैक्टीरियाज डिवाइड होते हैं तो जब हम करेक्टर्स को भी एग्जाम्पल्स याद करते हैं तो थोड़ा ईजी हो जाता है आगे चलें तो ये मैंने दोबारा से एक बार आपको एक्सप्लेन कर है तो इसको मैं आगे फर्दर डिस्क्राइब करूँगी तो ये थोड़ा मैंशन किया है कि डोमेन आर्किया डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यू आगे चले हाँ जी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बार बार ये बात बताई जा रही है क्योंकि अगर आपको आ जाए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है तो इसका मतलब ये नहीं कि थ्री डोमेन सिस्टम नहीं बोला तो आपको पता नहीं लगेगा इट इज़ वन एंड द सेम थिंग सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का क्या मतलब है आर्की बैक्टीरिया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के सिस्टम का क्या मतलब है आरकी बैक्टीरिया एंड सो दिस ये हमारा क्लियर हो गया था नेक्स्ट पे चलते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था इसमें आरकी बैक्टीरिया आते थे देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है एंशियंट बैक्टीरिया लेकिन यू बैक्टीरिया जो है दे आर ट्रू बैक्टीरिया आपको इसको ऐसे ही लॉन करना है और क्यों कहा गया मैं कुछ करेक्टर्स बताऊंगी इसके आरकी बैक्टीरिया मीन्स एंशियंट बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया देन किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम फनजाए किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया अब आपको अगर आपने पढ़ा हो लोअर क्लासेस में नाइन्थ की बायो में है बाय क्लासिफिकेशन सिस्टम है के नाम से है या डाइवर्सिटी इन दे द लिविंग वर्ल्ड के नाम से है तो उसमें कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने पढ़े हैं तो अगर आपने वो थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है किंगडम मोनेरा किंगडम मोनेरा किंगडम मोनेरा में क्या आएंगे जितने बैक्टीरियाज हैं ऑल बैक्टीरियाज थे कम अंडर द किंगडम मोनेरा तो हम इसको अब पढ़ेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू अस सो हाँ जी आप देखिए अर्थ इज फोर पॉइंट सिक्स बिलियन इयर्स ओल्ड वी नो इट क्या अर्थ इज फोर पॉइंट सिक्स बिलियन ईयर ओल्ड And microbial life is thought to have first appeared between the 3.8 and 3.9 billions years ago. to wo kehta hai ki hamari earth jo hai wo 4.6 billions years ago hai right? to fir aur jo microbial life hai हम अगर count करने लगें ना living world में कौन सा part सबसे ज़्यादा है कि animals का है, plants का है, human beings है, so, तो microbial life शुरू है that makes the most of the part, right? एट्टी परसेंट ऑफ दर्सेंट ऑफ द अर्थ हिस्ट्री वॉज एक्सक्लूसिवली माइक्रोबियल लाइफ तो एट्टी परसेंट जो हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री है तो वो किस पे क्या है माइक्रोबियल लाइफ माइक्रोबियल लाइफ का मतलब माइक्रो ऑर्गैनिजम्स के जो लाइफ बनाते हैं अबाउट द बैक्टीरियाज माइक्रोबियल लाइफ इज स्टिल द डोमेंट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ दिसन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रोबियल लाइफ है आउट ऑफ ऑल द लाइफ इज मोस्ट डोमिनेंट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ सो इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोबियल सेल ऑन अर्थ ऑन द ऑर्डर ये मैंने सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए ये फिगर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है जस्ट टू अंडरस्टैंड इट कि आपको ये पता चाहिए कि जो माइक्रोबियल लाइफ है वो उसका अर्थ कितनी हमारी इयर्स ओल्ड है माइक्रोबियल लाइफ क्यों डोमिनेंट है तो उसके कुछ मैंने फिगर्स दिए हैं तो आप इसको सिर्फ फिगर्स को पढ़िए लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को हाँ जी अब आती है पॉइंट हमारा में फाइलोजनी मैंने पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था फाइलोजेनी के बारे में फाइलोजेनी इज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स देखिए हम क्लासिफिक बायो में हर चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है कोई चैप्टर ये नहीं होगा कि फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट है सेकंड नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड मैंने उसमें थोड़ा सा क्लासीफिकेशन के बारे में आपसे बात की थी तो जब क्लासीफिकेशन की बात हुई थी तो एक टर्म आई थी फाइलोजनी फाइलोजनी फाइलोजनी, फाइलोजनी क्या होती है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसी है दैट इज द फाइलोजनी अब जो थ्री डोमेन सिस्टम है विच इज प्रपोज बाय वूज एंड अदर्स इज एन एवोल्यूशनरी मॉडल ऑफ फाइलोजनी बेस्ड ऑन द डिफ्रेंसिस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियटाइट इसको दोबारा से समझे जाए थ्री डोमेन सिस्टम ये जो थ्री डोमेन सिस्टम कालवूज ने दिया था इज़ एन एवोल्यूशनरी मॉडल ऑफ फाइलोजेनी तो फाइलोजेनी की डेफिनेशन को यहाँ पढ़ने का क्या मतलब है हमने अल्टीमेटली आना है अपने थ्री डोमेन सिस्टम पे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन पे हमें उस पर आना वापस तो ये जो थ्री डोमेन सिस्टम था ये किसने प्रपोज किया वो उसने तो ये एवोल्यूशनरी मॉडल है फाइलोजेनिका बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द सेल राइबोजोमल आर एन ए हमने भी बात की कि काल्बूस ने सिक्सटीन एस राइबोजोमल आर एन ए चूज किया उसने सिक्सटीन एस राइबोजोमल आर एन क्यों चूज किया उसने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखी एवोल्यूशनरी मॉडल है का क्या आते हैं डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द सेल राइबोमल जो सेल का राइबोजोम है ना उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके सीक्वेंस में क्या डिफरें तो समझ आई बात आपको तो ये है वो चीज तो एज वेल एज द सेल में दूसरा उसने कौन सा फैक्टर लिया सेल मेम्रेन लिप्ड स्ट्रक्चर पहला लिया डिफरेंस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ सिक्स राइबोजो ने सेकेंड उसने लिया लिपिड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और थर्ड था सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्री फैक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्री फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लासीफिकेशन ऑफ थ्री डोमेन सिस्टम क्लासीफिकेशन ऑफ थ्री डोमेन सिस्टम अब थ्री डोमेन सिस्टम के ये जो फैक्टर्स हैं ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं अगर ये फैक्टर्स क्लियर होंगे कि व्हाट वाज़ द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्वूस तो हमें आगे की चीज़ें सिंपल लगेंगी आगे चलते हैं हाँ जी कंपेयरिंग राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चर इज स्पेशली यूजफुल बिकॉज राइबोसोमल आरएनए ए मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट नेचर कैरी आउट द सेम फंक्शन बार बार सेम बात रिपीट हो रही है कि जो राइबोजोमलर ए मॉलिक्यूल उन्हें क्यों चूज किया गया बिकॉज दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दे आर स्ट्रक्चर चेंज इज वेरी लिटल ओवर टाइम द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोजोमल आर एन ए चेंज इज वेरी लिटल ओवर टाइम दे अंडर गो म्यूटेशन वेरी स्लोली इसका मतलब है कि देर म्यूटेश वेरी स्लोली सो देर फॉर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इन राइबोजोमल आर एन ए जितनी सिमिलैरिटीज़ आएंगे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए के जितने डिफरेंसेस आएंगे राइबोसोमल इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए के वो हमें क्या बताएंगे दैट विल टेल अस गुड इंडिकेटर ऑफ हाउ रिलेटेड और हाउ अन रिलेटेड डिफरेंट सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स आर हमें आप अल्टीमेटली uh, उसी पर आना है कि ऑर्गेनिजम्स कितने रिलेशन में क्या कितने रिलेटेड हैं ऑर्गेनिजम्स जो हैं कितने रिलेटेड हैं और कितने जो हैं क्या है अन रिलेटेड हैं तो ये हमें कौन बताएगा ये हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बताएंगे सिक्सटीन राइबोसोमल आर के अगर सिक्सटीन राइबोसोमल आर एन जल्दी होती तो क्या होता तो चेंजेस ही आते रहते हम इस चीज़ को हम इसको यूज कर रहे हैं एज ए इंडिकेटर तो इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं एज ए गुड इंडिकेटर ऑफ हाउ रिलेटेड और अन रिलेटेड डिट सेल्स सो देर आर वेरियस हिपोथिसिस एज टू द ओरिजन ऑफ प्रोकर एंड यू कैरेटिक सेल बहुत सारे हिपोथिसिस हैं कि प्रोकरोटिक सेल कैसे अराइज हुआ यू कैरेटिक सेल कैसे अराइज हुआ तो हम इसको अभी पढ़ेंगे इस चीज को इट विल बी मोर क्लियर टू यू एज वी विल गो फर्दर सो बिकॉज ऑल द सेल्स आर सिमिलर इन नेचर इट इज जनरली थॉट दैट सो ऑल सेल्स आर सिमिलर इन नेचर हम नेक्स्ट सेल का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्लियर होगा सेल्स सिमिलर नेचर के कैसे हैं हाउ दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन सेल ओवरव्यू टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो सब तो जितने भी सेल्स हैं ऑल सेल्स आर सिमिलर इन नेचर सिमिलर नेचर के होते हैं इट इज जनरली थॉट दैट ऑल सेल्स केम फ्रॉम ए कॉमन इंसेस्टर तो हम ये कहना चाहती हूं मैं कि सभी सेल जो है ना वो कॉमन एंसेस्टर से आए हैं ऑल सेल्स कम फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर और उसे क्या कहा गया लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर लूसा लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लूसा थे दे इवॉल्व इन टू थ्री डिफरेंट सेल्स तो ये जो लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर जो है ये क्या हुआ इसने रिप्रेजेंट किया ईच डोमेन तो तीन तरह लास्ट कॉमन लास्ट कॉमन यूनिवर्सल असेप्टर इसका मतलब है कि सभी सेल्स का जो ओरिजन है वो सेम है अगर सभी सेल्स का ओरिजन सेम है तो क्या होगा हर सेल जो है वो क्या बना रहा है इट रिप्रेजेंट ए डोमेन हर सेल एक डोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है और मैं फिर अपने उसी टॉपिक पे आती हूँ कि तीन डोमेन्स कौन से हैं वट आर थ्री डोमेन्स थ्री डोमेन्स आर द आर्किया बैक्टीरिया एंड यू कैरिया आपको इसी के आसपास सारा चैप्टर घुमाना है जो टॉपिक है थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ वो इसी के आसपास घूमेगा आर्किया बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया तो थोड़ी सी बातें क्लियर हो रही हैं ये लूसा का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने जो फर्स्ट आपको इसमें प्रेजेंटेशन में फर्स्ट जो पीपीटी uh, दिखाई थी जो मेरी स्लाइड थी उस स्लाइड में आपको क्लियर हुआ उस समय तो नहीं होगा बट नाउ इट विल बी क्लियर आई होप कि जो थ्री डोमेन्स है तीन डोमेन्स की बात की थी मैंने लेकिन मैंने सबके नीचे लिखा था कॉमन एनसेस्टर सो दैट वॉज दिस लूसा फाइन सो लूसा वॉज क्या है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर इसी से आपके ये तीनों डोमेन आए हैं कौन से आर्किया बैक्टीरिया एंड यूकेरिया देखिए टॉपिक तो बहुत सिंपल है बस वैसे इस बार एनसीआरटी में टॉपिक है नहीं ये अब ऐड हुआ है नेक्स्ट जो नया सिलेबस आया उसमें ये ऐड हुआ है सो so, फाइलोजेट ये कुछ मैंने बताने की कोशिश की है कि फाइलोजेनेटिक ट्री होता है लाइफ का तो ये फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ देखिए ये लूसा है यहाँ पे तो मैंने ल्यूसा के बारे में आपको बताती हूँ थोड़ा सा। स्लाइड so, आर्किया अब जो हमने थ्री डोमेन्स पढ़े हैं उसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे आर्किया आर्की बैक्टीरिया सो इसमें कुछ ज्यादा लंबे चौड़ा काम नहीं है इसके सिर्फ करेक्टर्स ही पढ़ने हैं आर्याजेस्ट द फॉलोइंग करेक्टर्स कौन से करेक्टर्स हैं जी आर्या के पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि दे आर द बैक्टीरिया अब जो बैक्टीरिया हैं वो क्या है प्रो कैरिक सेल आई नो कि अभी तक प्रो कैरियोटिक सेल नहीं डिफाइन किया गया लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रो कैरेटिक सेल प्रो कैरिक का क्या मतलब होता है प्रो कैरेटिक प्रो मीनस प्रिमिटिव प्रिमेटिव और कैरियोटिक कैरे मींस न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस तो याद क्या रखना है आपने कि जितने भी आर्कियाज हैं दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक वो सारे प्रोकैरियोटिक मतलब, का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब जिसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव होता है तो ये अभी तो ऐसा याद रखना पड़ेगा अनलाइक द बैक्टीरिया एंड यू कैरिया द आर्किया हैव मैम कंपोज्ड ऑफ ब्रांश हाइड्रोफिलिक कार्बन चेन देखिए जी जैसे ये फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट था टॉपिक हमारा पॉइंट तो सेकंड है बैक्टीरिया और यू कैरिया अनलाइक द बैक्टीरिया एंड यू कैरिया हम आर्किया के करेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो आर्किया जो है दे हैव मेम्ब्रेन। हर सेल की मेम्ब्रेन होती है ये हम सेल में पढ़ेंगे सो so, आर्किया के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो आर्किया क्या है दे हैव मैमब्रेन कंपोज ऑफ ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन आई होप हाइड्रोकार्बन चेन पता है ये कार्बन कार्बन की जो चेन है इसे हम हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो हाइड्रोकार्बन चेन है एंड मे आ मैन ई आल्सो कंटेन रिंग्स विद इन द हाइड्रोकार्बन चेन अटैच टू द ग्लिस्ट्रोल बाय ईथर लिंकेजेस ये आपके पास केमिकल कंपोजिशन है मेम्ब्रेन की ये केमिकल कंपोजिशन आपको याद रखनी है कि अनलाइक द बैक्टीरिया एंड यू आर्किया जो है दे हैव मैमब्रेन विच इज कम्पोज ऑफ ब्रांश हाइड्रोकार्बन चेन तो ये जो ब्रांश हाइड्रोकार्बन चेन है समटाइम हैव रिंग्स आल्सो इन इट रिंग स्ट्रक्चर भी होता है एंड दैट इज अटैच्ड टू ग्लिस्त्र ग्लिस्त्रोल के साथ अटैच्ड है बाय द ईथर लिंकेजेस तो ये ऐसे ही डिफरेंसेस अभी में आएंगे तो ये हमने याद रखना है आगे चलो सेल वॉल ऑफ आर्किया देखिए मैंने सेल मेम्ब्रेन की बात की थी मैंने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है आर्किया की वो कार्बन हाइड्रो हाइड्रोकार्बन चेन है हाइड्रोकार्बन चेन है इट मे हैव रिंग्स इन इट एंड इट इज अटैच्ड टू द ग्लिसरॉल बाय लिंकेज ये तो बात हो रही थी सेल मेम्ब्रेन की सेकंड स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है वेक्ट्रोकाटिक सेल्स में जो हम के में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सेल वॉल तो सेल वॉल क्या होती है जैसे इस रूम की वॉल है तो व्हाट व्हाट फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग दे आर परफॉर्मिंग दे आर गिविंग शेप एंड स्ट्रक्चर टू दिस रूम इन द सिमिलर वे जो सेल वॉल है दैट गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू द सेल सेल मेम्ब्रेन जो है दैट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल एंड इट आल्सो परफॉर्म मैनी अदर फंक्शंस दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर्स सो सेल वॉल ऑफ आर्किया जो सेल वॉल होती है आर्किया की दैट कंटेन नो पेप्टीडोग अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि जो आर्किया की सेल्वॉल है इट कंटेन्स नो पेप्टीडोग लाइक केन आर्किया आर मोर नॉट सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट द बैक्टीरिया बट आर सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट दू करिया ये इसी तरह याद रखना पड़ेगा कि जो आर्किया है वो सेंसटिव नहीं होते आर नॉट सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक्स फाइन बट दे आर सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक्स नर्किया हम पहले पढ़ते पढ़े हमने कि होता है. तो आर्किया में क्या होता है राइबोजोमल होता है दैट इज यूनिक फीचर ऑफ दैट इज यूनिक फीचर ऑफ आर्किया एज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मोलिकुल ये आपको ना अभी समझ नहीं आएगी ये वाले लैंगजरा आगे हम जब चैप्टर्स पढ़ेंगे जब सेल के बारे में पढ़ेंगे जेनेटिक्स आएगा प्लस टू में तो ये चीजें थोड़ी और क्लियर होती जाएंगी राइट तो अभी तक आप इतना याद रखो बस कि जो आर्किया हैं दे कंटेन राइबोजोमल आर एन ए दैट इज यूनिक टू आर्किया तो मैं ये कहना चाहती थी कि इसमें हमारे वो तीनों फैक्टर्स कवर हो रहे हैं सेल मेम्बर कवर होगी सेल वॉल कलर हो, कवर होगी किसमें नो पेप्टीडोग्लाइकिन थर्ड थिंग क्या कवर हुई है कि आरकी आर नॉट सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक्स लेटस प्रोसीड फर्दर सो हेयर आई है हमने कहा कि जो सेल मैम है दैट इज मेड अप ऑफ लिपेड लिपिड्स की बात हुई तो ये मेब्रेन लिपिड है बैक्टीरिया और यू कह रहे हैं कि ये आप देखिए मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है हाइड्रोकार्बन चेन जो है दैट इज लिंक्ड टू हाइड्रोकार्बन चेन जो है दैट इज लिंक्ड टू ग्लिस्टर ये रहा आपका ग्लिस्टरोल और किसके साथ है मायदाई थर लिंकेज ये देखिए मेम्ब्रेन लिपिड ऑफ आर्किया ये आपको इसी में ही या नेक्स्ट के करेक्टर समझ आ जाएंगे कि ये मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं आर्किया के मेम्ब्रेन लिपिड्स में आर के ईथर लिंकेज है और सेकेंड है मेम्ब्रेन लिपिड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड यू कैरिया वहाँ पर क्या है ईस्टर लिंकेज ये डिफरेंस आएगा ये ऐसा याद रखना होगा डायग्राम के साथ और क्लियर होती है बात हमें सो वन रीजन फॉर दिस इज दैट द ईथर कंटेनिंग लिंकेजेस इन द आर्किया मेम्ब्रेन देखिए हमने अभी पढ़ा एक ईथर लिंकेज देखी आपने एक और एक अब इसमें से स्टेबल कौन सी क्वेश्चन ये ये होता है तो वो कहते हैं जो ईथर कंटेनिंग लिंकेजेस है ना आर्किया में दैट इज मोर स्टेबल देन दस्टर कंटेनिंग लिंकेज इन दैक्टीरिया एंड यूकेरिया आपको यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि ईथर लिंकेज किस में है लिंकेज इज प्रेजेंट इन द आर्या और इस्टन लिंकेज किसमें है दट इज प्रेजेंट इन द लिंकेज ऑफ बैक्टीरिया एंड यू कैरिया सो ये चीज यहां क्लियर हो जाती है आगे चला जाए द बैक्टीरिया अब जो बैक्टीरियाज हैं मैंने अभी डिस्कस की थी बात आपके साथ की जो बैक्टीरियाज हैं दे आर ऑल्सो नोन एज यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया बैक्टीरिया की जब भी बात होगी दे आर ऑलसो नोन एज यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया तो हमें सभी के करेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से करने हैं बैक्टीरियाज इसमें एक आधा डिफरेंस होगा बाकी सब सेम चलेगा बैक्टीरियाज आर ऑल्सो नोन एज यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया दे आर प्रो कैरेटिक सेल्स दैट आर मोर कॉमन इन ह्यूमन डेली लाइफ हमारी ह्यूमन डेली लाइफ में मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं विच आर नॉट विच कैन नॉट बी सीन बाय आर नेकेड आई बट दे आर प्रेजेंट राइट सो बैक्टीरियाज जो हैं प्रो कैरियाटिक सेल्स हैं दैट आर कॉमन इन ह्यूमन डेली लाइफ एंड दे इनकाउंटर मैनी मोर टाइम्स दैन द आर बैक्टीरिया नो यू बैक्टीरिया कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट आपको यू बैक्टीरिया हर जगह मिलेंगे दे कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरी एंड किल थाउजेंड ऑफ पीपल ईच ईयर बट आल्सो सर्व एज एंटीबायोटिक प्रोसीजर्स एंड फूड डाइजेस्टर्स इन आर स्टमिक हाँ जी तो क्या बात हो बैक्टीरियाजे आर आल्सो नो होना यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया वन थिंग क्लियर सेकेंड थिंग इज दिस कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे बैक्टीरियाज के साथ एनकाउंटर होते हैं वो कौन से बैक्टीरियाज हैं जिसों जो हमें डेली लाइफ में मिलते हैं दे आर यू बैक्टीरिया और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एंटीबायोटिक्स भी हैं ये नहीं है कि बैक्टीरिया सिर्फ हार्मफुल नो बैक्टीरियाज आर यूजफुल आल्सो सो दे सर्व एज एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर्स एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर्स में हैं अगर आपने एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन पढ़े, तो आपको पता लगेगा कि बैक्टीरियल स्टेन यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स तो ये एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूसर्स भी हैं और ये क्या है फूड डाइजेस्टर्स हैं हमारे स्टमिक में इट इज वेरी अमेजिंग टू नो दैट देयर आर फूड डाइजेस्टर्स इन आवर स्टमिक हमारे स्टमिक में फूड डाइजेस्टर कौन है बैक्टीरिया इट इज़ वेरी अमेजिंग टू नो आई थिंक क्लियर हो रही है बातें नेक्स्ट बैक्टीरिया अब हमें ये पता लग चुका है कि जो यू बैक्टीरिया है वो ट्रू बैक्टीरिया हैं इनके कैरेक्टर्स पढ़ लें बार बार सेम बात रिपीट होगी प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड बैक्टीरियाज क्यों बैक्टीरियाज प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं प्रमेटिव न्यूक्लियस है उनका प्रीमेटिव न्यूक्लियस क्या है ये सेल के चैप्टर में पढ़ेंगे लाइक like द अभी आप इतना याद रख लो कि प्रेमेटिव न्यूक्लियस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय द वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं सराउंड होता अब लाइक द यू कह उसी तरह इनकी जो मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है अनब्रांच फैटी एसिड चेन्स की और सेम वही बातें अटैच टू बाय ग्लिस्ट्रोल लिंकेजेस जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था अभी आपको तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया तो सेल वॉल्स जो हैं इनकी क्या बैक्टीरिया अनलाइक द आर्किया एंड द यू कैरिया कंटेन पेप्टीडोग तो सेम फीचर्स आपने याद रखने हैं कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होती है यू बैक्टीरियाज की सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होती है बैक्टीरियाज की तो आपको ये सब याद रखना है बस और एक सेल वॉल किसकी बनी होती है पेप्टीडोग की बनी है कंपोजिशन है या नहीं है ये याद रखना है इसमें बस नया टॉपिक ऐड हुआ है इस बार सो बैक्टीरियाज आर सेंसिटिव टू ट्रेडिशनल एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टू ट्रेडिशनल एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स से बट आर रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट यू कैरिया ये रेजिस्टेंट होते हैं उन टू मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स दैट अफेक्ट यू कैरिया तो ये इस तरह से हम ना थोड़ा सा देखिए रिलेशन है आपस में सबका कि यू कैरिया में क्या होता है बैक्टीरियास में क्या होता है तो ये इस तरह से पढ़ा जाएगा बैक्टीरियास में राइबोजोमल आ रहा होता है दैट इज यूनिक टू द बैक्टीरिया एज इंडिकेटेड बाय द हमने ये पीछे पढ़ लिया सारा तो आप इस ये आपके एनसीआरटी में गिवन है दोनों पॉइंट्स इस बैक्टीरिया कंटेन राइबोजोमल आ रहे बैक्टीरिया में राइबोजोमल आ रहा होता है दैट इज अच्छा बैक्टीरिया में रबोजोमल आ रहे है सो दैट इज यूनिक टू द बैक्टीरिया ये यूनिक फीचर है बैक्टीरिया का कि बैक्टीरिया में रायबोजोमल आ रहे हैं एंड इट इज इंडिकेटेड बाई द प्रेजेंस ऑफ मॉलिकुलर रीजन्स अभी ये बात नहीं समझ आएगी इतनी आगे चैप्टर में क्लियर होगी सो बैक्टीरिया इनक्लूड अभी इनके एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल्स तो मुझे अगर मैंने करैक्टर फीच करैक्टरिस्टिक फ़ीचर्स आपको बैक्टीरियाज़ के बता दिए या आर की बैक्टीरिया के बता दिए तो अगर मैं उसके एग्जांपल्स बता रही हूँ तो इसका मतलब कि अपार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन बाकी करैक्टर सेम होंगे सो आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन एवरी करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एग्जाम्पल एयर सो बैक्टीरियाज बैक्टीरियाज में क्या आते हैं माइकोप्लाज्मा आते हैं साइनोबैक्टीरिया आते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं ये एग्ज़ैम्पल्स याद करने पड़ेंगे

जो बैक्टीरियाज हैं दे आर द प्रो कैरियोटिक्स दे हैव प्रेम न्यूक्लियस बहुत सिंपल न्यूक्लियस है इसलिए ये प्रो कैरेओट्स हैं लेकिन जो यू कैरियाज हैं वो यू कैरेओट्स हैं यू कैरेओट्स का क्या मतलब होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है सारा जो डिफ्रेंसीशन है वो सारी इसी के बेसिस पे है कि न्यूक्लियर वेल डिफाइंड है कि न्यूक्लियस अनडिफाइंड है तो ये हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं यू कैरिया यू कैरिया जब यू कैरिया की बात होगी तो यू कैरिया में क्या आते हैं यू कैरेओट्स आते हैं हाँ जी यू कैरिया में आएंगे हमारे यू कैरेओट्स तो हम यू कैरे के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं तो यू कैरेओट्स कौन से होते हैं विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन विच डू नॉट वेल डिफाइंड मैम्ब्रेन और प्रो कैर है दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड मैम एंड बाउंड ऑफनेलिस एंड यू कैर दे हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन एंड बाउंड ऑर्गनेलीस लेकिन डिफरेंस आप अभी सिर्फ इतना याद रखो कि प्रो कैरेट्स हैं प्रेमेटिव न्यूक्लियस वाले और यू कैरेट्स हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले ठीक है जी तो आगे चलते हैं थोड़ा सा सो 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 एक पिछली मैं पिछली स्लाइड दोबारा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी दिस hmm, वन तो नॉट ऑल यू कैरे ओट्स द यू कैरिया सो दिस वॉज अबाउट द यू कैरिया सो नॉट ऑल यू कैरे

किंगडम प्लांटे किंगडम एनिमेलिया एंड प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा फंजाई प्लांटे एनिमेलिया ये सब आएंगे यू में ये हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमें पता ही है कि प्लांट्स जो हैं दे आर नॉट हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सेम वे एनिमल्स आर नॉट हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन तो इनका जो न्यूक्लियस है इनके जो सेल है इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होगा सिंपल न्यूक्लियस नहीं होगा इनका कि ऐसा ही पड़ा है इरेगुलर शेप का है कोई मेम्ब्रेन नहीं है कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गनैली नहीं है अगर ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होंगे ऑर्गेलीज प्रेजेंट नहीं होंगी तो यू को यू कौन कहेगा? दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो इसी डेफिनेशन के बेस पे आगे चलते हैं हम द यू कैरिया ऑल्सो स्पेल्ड यू कैरिया आप यू कैरिया यू कैरिया भी कहते हैं एंड क्या आते हैं दे हैव यूट दे आर यू कैरेटिक सेल्स जितने भी यू कैरे हैं उन सब में यू कैरेटिक सेल होंगे सब में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले सेल होंगे सबके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर बॉन्ड ऑर्गेलीज प्रेजेंट होंगी लाइक द बैक्टीरिया बैक्टीरिया की तरह दे हैव मैमब्रेन कंपोस्ट ऑफ अनब्रांच फैटी एसिड चें अटैच टू ग्लिस्ट्रोल बायक्ज ये याद रखना पड़ेगा सब कि जो की में क्या होते हैं मेम्ब्रेन जो है वो अनब्रांच फैटी एसिड्स की बनी होती है विच इज अटैच्ड टू द ग्लिस्टर बाय द ईस्टर लिंकेज तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा जब एक के करेक्टर आप याद करेंगे चाहे वो यू बैक्टीरिया के करो चाहे आर्की बैक्टीरिया के करो तो दूसरे के साथ वो अपने आप डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे कि किसमें मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है दूसरे में मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या रहेगी राइट right? तो आगे चलें तो यू जो होते हैं दे प्रोजेस सेल वॉल इनमें सेल वॉल होती है लेकिन अगर उनमें सेल वॉल है तो उसमें वो किसकी नहीं बनी नो no पेप्टीडोगोग्लाइकिन की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अब यू में सेल वॉल होती है अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो पेप्टीडोग्लाइकिन की नहीं बनी ये रेजिस्टेंट एंड ट्रेडिशनल एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स है एक ही बात है बेसिक करेक्टर्स पढ़ लिए उसके बाद तो सारा सेम नहीं चलेगा इसमें भी रेबेजोमल आ रन है जो क्या है यूनिक फीचर है यू का। लेट लेटर्स मूव फॉर सो यू अब जो यू कैरिया है वो सब डिवाइडेड है फॉलोइंग फोर किंगडम्स में अब इसको ये मैं थोड़ा ब्रीफ में करूँगी बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सब कुछ सो so, प्रोटेस्टा किंगडम यू कर जो है दे आर डिवाइडेड इन टू फोर किंगडम्स किंगडम गेंग्णम प्रोटेस्टा किंगडम फंजाई किंगडम प्लांटी किंगडम एनीमेलिया सो so, किंगडम प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा बहुत सिंपल होते हैं प्रीडोमिनेंटली डोमिनेटली यूनीलुलर यू कैरेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटेस्टा बहुत सिंपल है किंगडम ऑनरम में क्या आते हैं सारे बैक्टीरियाज आते हैं किंगडम प्रोटेस्टा में क्या आते हैं यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं यूनी सेलुलर ऑर्गैनिजम्स हैं और सिंपल हैं सिंपल हैं इसका मतलब वो एक सेल से बने हुए हैं यूनी सेलुलर यू कैरेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसमें क्या आएंगे स्लाइम मोल्ड्स अब अगर मुझे ये पता करना हो कि स्लाइम मोल्ड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं तो डेफिनेटली मैं किंगडम प्रोटेस्टा के फीचर्स पढ़ूंगी किंगडम प्रोटेस्टा के जो फीचर्स होंगे डेफिनेटली उन एग्जाम्पल्स के वो फ़ीचर्स होंगे सो ये स्लाइम मोल्ड्स यूगलीनाइड्स एल्गी एंड प्रोटोजन तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं किंगडम प्रोटेस्टा के नेक्स्ट इज द किंगडम फंजाई फंजाई भी यूनीलुलर होते हैं दे मे बी मल्टी किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटेस्टा यूनीलुलर है किंगडम फंजाई दे मे बी यूनीलुलर दे मे भी मल्टी सेल टाइप ये सब यू कैरिया के क्लासिफिकेशन हैं यू सेल टाइप्स हैं हैं सो सेल्स जो दे हैव वॉल्स बट आर नॉट ऑर्गेनाइज इन टू टिश्यू तो ये जो जो ये सेल्स हैं दे आर नॉट ऑर्गेनाइज इन टू टिश्यूज राइट तो इनके फीचर्स याद रखने हैं बस अब लास्ट जो रह गया हमारे पास दैट इज तैटा हम बात करेंगे पहले किंगडम एनिमिलिया उससे पहले सो किंगडम प्लांटिंग दे डो नॉट कैरी आउट फोटोसिंथसिस डो नॉट कैरी आउट फोटोसिंथसिस एंड दे ऑब्टेन न्यूट्रीशन थ्रू एब्जॉर्प्शन देखिए अगर मैं बात कर रही हूं कि जो आ, ये है फोटोसिंथिस तो नहीं करते तो खाना खास से खाते दे ऑप्टेन न्यूट्रिशन थ्रू एब्जॉर्प्शन तो आप फंगस के अ, मेरे ख्याल से नाम हमने सुने हैं हीस्ट हम लोअर क्लासेस में सुनते आ रहे हैं फंजाई हम लोअर क्लासेस में सुनते आ रहे हैं मोल्ड तो यूज हुआ है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई नेक्स्ट इज द प्लांटे किंगडम प्लांटे किंगडम प्लांटे किंगडम नेम से ही पता लग रहा है कि प्लांट्स की बात हो रही है सो प्लांट्स आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म प्लाट्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम है दे आर कंपोज ऑफ यू कैरिक सेल्स दीज सेल आर ऑर्गेनाइज इन टू टिश्यूज एंड दे है जो प्लांट्स हैं ऑल प्लांट्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ किंगडम प्लांटिंग किंगडम प्लांटिंग में जो सेल्स uh, आते हैं वो कौन से होते हैं यू कैरिक सेल्स होते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इनका और ये ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यूज में जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यूज में एंड दे हैव सेल वॉल ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द साइल सो so, जो प्लांट्स हैं दे टेक द दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉयल राइट फॉर देयर ग्रोथ तो ये किंगडम प्लांटे में एक याद रखी बात यूकेराटिक सेल्स की और ये ऑर्गेनाइज और होते हैं टिश्यूज में और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं मॉसिस फॉर्म्स कॉनिफर्स एंड फ्लॉरिंग प्लांट ये सब आपने टर्म्स लोअर क्लासेस में सुनी हुई हैं नहीं सुनी तो आप इन चीज़ों को अब याद रखेंगे लेट अस प्रोसीड द लास्ट एनिमिलिया किंगडम एनिमिलिया किंगडम की अगर बात की जाए तो एनिमल्स भी मल्टी सेल हम जो हैं वी आर ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स हो गए या जो बाकी एनिमल्स हैं डॉग कैट ऑल एंड ऑल तो ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं मल्टी सेलुलर मतलब दे आर मेड अप ऑफ मैनील्स राइट सोफ दे आर ऑल्सो यू कैरियोटिक सेल्स तो सेल्स में सेल्स जो हैं हमारे अंदर जो सेल्स हैं जो एनिमल्स के अंदर सेल्स हैं दे आर ऑर्गेनाइज टू टिश्यूज वो टिश्यूज क्या करते हैं दे ऑर्गेनाइज टू ऑर्गन ऑर्गन ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन सिस्टम में और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है तो ये सारे क्या हैं यू कैरियोटिक सेल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस हम लोग खाना खुद तो नहीं बनाते हम तो फोटोसिन्थिस नहीं करते ना एनिमल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड दे न्यूट्रिएंट्स प्राइमरी बाय इंजेन तो हम आ, हम न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं वी टेक न्यूट्रिएंट्स प्राइमरी बाय इंजेन हम खाना जो है इंजेस्ट करते हैं इनटेक करते हैं फूड को तो स्पॉन्जेस हो गए वॉम्स हो गए इंसेक्ट्स हो गए और वर्टीब्रेड्स हो गए अभी तो एज सच एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे तो इनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स इसी के साथ क्लियर हो जाएंगे

They are classified into th 3 domains based on the differences in the organisms are classified into 3 domains based on the differences or differences in the nucleotide sequence of ribosomal RNA right So, cell membrane second is cell membrane lipid structure and third is sensitivity to antibiotics So, these are the prime 3 factors

कि आपने इस चीज़ को समझा लेकिन आप इसको एन को आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और आप जब भी लेक्चर सुने आप लोग एन सी आर बैठें विदाउट एन की बुक को पढ़ें और नोट्स में इसके बनाए ये चैप्टर समझ नहीं आएंगे थैंक यू सो मच